हेलो एवरीवन, आज हम आप लोग को स्लैब कास्टिंग से पहले आपको छत कैसे चेक करना है तो इसके बारे में दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको सीढ़ी देख लेना है, जो सीढ़ी आपको नीचे फ्लोर से ऊपर आया तो उसका लैंडिंग राइजर प्रॉपर जो स्टील बांधा है, इलेक्ट्रिक वायरिंग सब देखते हुए आगे आना है। आगे के ऊपर में सबसे पहले आपको लेवल देखना है, तो लेवल जो नीचे का फ्लोर में है उससे मान लीजिए शिफ्ट हुआ है तो ये या तो सीढ़ी के पास लेवल ट्रांसफ़र करवाइए या तो अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट के पास। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये जो तार बांधा हुआ है हम लोग का, तो ये नीचे से ये हम लोग का 3 मीटर 400 फर्स्ट फ्लोर का ये स्लैब है, 3450 का स्लैब हाइट है। तो उस लेवल से ट्रांसफ़र करके हर कॉलम में जो जितना कॉलम है या जितना गला पॉसिबल हो सकता है उस जगह ट्रांसफ़र कर देना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कॉलम में ये पेंट येलो पेंट करके मार्किंग है, ये लेवल ट्रांसफ़र है। ये चीज़ आपको हर कॉलम में मिलेगा, वो कॉलम में भी देख सकते हैं आप। इस हिसाब से सारा कॉलम में लेवल ट्रांसफ़र कर लेना है। लेवल ट्रांसफ़र करने के बाद अब जो स्लैब का थिकनेस है मान लीजिए 150, 125, 130, तो उस हिसाब से मान लीजिए 300 अप करके ये जो लेवल ट्रांसफ़र करवाते हैं हम लोग कुछ अप करके, तो आप अपने हिसाब से कुछ अप करके करवाइए। जो स्लैब का टॉप है उससे 300 या 600 अप करने के बाद अब उसमें धागा बांध के, और स्लैब हाइट मान लीजिए आपका 150 है तो 300 + 150 450 टेप से अगर धागा खींचेगा तो जो स्लैब रहेगा उसका 450, और डाउन स्लैब जो है जितना डाउन रहता है उस हिसाब से आप डाउन स्लैब का भी उस धागा से चेक कर सकते हैं। अगर डाउन स्लैब आपको 250 या 300 डाउन है वो चेक करने के बाद आपको हर बीम में कवर ब्लॉक, वो कवर ब्लॉक आप बीम बांधते समय भी देख सकते हैं या तो उस समय भी देख सकते हैं। ये देखिए ये जो बीम हम लोग का 300 × 500 का है तो टोटली कवर ब्लॉक सब में प्रॉपरली प्लेस है। स्लैब में भी देख लेना आपको सब चीज़, कवर ब्लॉक, चेयर और जो कास्टिंग हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम उसको ठीक करने बोले, यहाँ आगे दिख रहा होगा आपको ये थोड़ा उठा उठा लग रहा है तो ये बीम डाउन करेगा थोड़ा सा, ये अप है। जैसे 150 स्लैब हाइट है तो जो कवर भी देख लेना है कि जो 150 रॉड बांधा है पूरा 150 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का 150 पूरा आ जा रहा है तो इसको डाउन करेगा प्रॉपर देख लेना आप। उसके बाद ये होने के बाद इलेक्ट्रिक वायरिंग पे चलना है आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो लेवल देखना है आपको ये वाला एरिया में बालकनी का जो आ रहा है, बालकनी एंड डाउन स्लैब, क्योंकि बालकनी आपका बाहर रहेगा और उसमें होता ही है जब कंक्रीट पंप से आएगा तो थोड़ा बहुत डाउन आएगा, तो 5 mm 10 mm प्लस रखना है उसमें। बीम में भी जो बड़ा बीम है तो आप तो बालकनी वाला ही पोर्शन में वो देख लेना। आफ्टर दैट आपको लाइन जैसे कि जो डाउन स्लैब है इसका लाइन प्रॉपर कवर में मिल रहा है, जैसे ये देखिए ये पूरा एक लाइन में है। दूसरा चीज आपको जहाँ कॉलम है वहाँ पे उसके नीचे देख लेना है कि कोई गंदा चीज़ नहीं है, जैसे कि पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो सब चीज़ आपको देख लेना है। और जो डाउन स्लैब में है, डाउन स्लैब में प्लम्बिंग का पॉइंट आएगा तो प्लम्बिंग के लिए वो कंड्यूट डाला है कि नहीं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप ये वो पाइप अपना डाल चुका है, तो ढालने के बाद ये बहुत इशू होगा, कवर कटिंग कराइए, ये कराइए, वो कराइए, तो ये भी देख लेना। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सारा कॉलम में आप अगर रिड्यूस हुआ है कॉलम, अगर फर्स्ट फ्लोर में नॉर्मली साइज रिड्यूस होता है तो अगर रिड्यूस हुआ उस हिसाब से उसको रिंग बनवा के सब कॉलम में रिंग को टेम्पलेट करवा लीजिए। इससे होगा क्या, ढलाई के समय रॉड इधर उधर, बार जो है आपका कॉलम का जो इधर उधर नहीं होगा, तो लेआउट प्रॉपर होने के बाद आपको जैगल जो होता है परेशानी नहीं होगा, सब एक लाइन में रहेगा, ये चीज़ देख लेना आपको। और जो डक्ट का साइज है, जैसे ये डक्ट है तो ये प्रॉपर है कि नहीं इसको भी आपको देख लेना है, और साइड जो मारा है ये प्रॉपर देख लेना है, ठोक ठोक के ठोक के, या तो पूरा टाना पीछे से आगे से नीचे से सब चीज़ ये आपको देख लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आपका जो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपको एक ड्राइंग जो इलेक्ट्रिक का दिया हुआ है उस हिसाब से ये अपने से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका रूम है, ये वाला ये रूम है,
तो एक जो मेन लाइन देख रहे होंगे, इसमें दो मेन लाइन आया हुआ है, एक वो वाली जो मेन लाइन है, देखिए, तो एक मेन लाइन जाएगा स्विच में, डायरेक्ट स्विच में जा रहा है, जहाँ से सारा कंट्रोल होगा, फैन, दो लाइट, ये, और एसी का पॉइंट, और एक जो पॉइंट मेन आया है डायरेक्ट एसी पर पॉइंट आया। तो इस हिसाब से ये चीज़ एक हम लोग का ड्राइंग में यही सिंपल है, इसे ही आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि सब जगह पॉइंट है, दूसरा या तो कैमरा वैमरा का पॉइंट है, तो ये आप ड्राइंग से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये चीज़ है। और बाकी इसमें बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे शटरिंग किया, तल्ली ठोका, उसके उस समय भी चेक करते हैं हम लोग, चेक हुआ नापी सब मिल गया, देन स्लैब शटरिंग हुआ, उसके बाद बीम बांधा, उस समय भी चेक होता है, उसके बाद स्लैब बांधा, उस समय भी चेक होता है, और फाइनल चेकिंग पूरा वो कवर कंप्लीट करके दे दिया। अब हम लोग ये अभी फाइनल हम चेक कर दिए हैं, अब इसमें खाली क्लीनिंग बाकी है, और साइड कवर कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं कभी नहीं मिल रहा है, तो वो साइड कवर देखना है सबसे। और इसमें लिफ्ट का भी देखना है, लिफ्ट प्रॉपर नापे, डायगोनल विथ डायगोनल देखना है, जैसे ये मेरा जो लिफ्ट है इसमें दो लिफ्ट है, तो दो लिफ्ट में एक जो है मेरा 1950 बाय 1950 का साइज का, और एक 2100 बाय 3150 का है, तो आपका लिफ्ट का डायगोनल विथ डायगोनल इसको आपको चेक कर लेना है। और सारा हम लोग का जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट ये जगह सीढ़ी के पास ही आया हुआ है, ये ड्राइंग किया हुआ अच्छा सर, ये फायर डक्ट है, तो डक्ट फायर डक्ट। अभी हम लोग का उधर आगे का कास्टिंग चल रहा है, आफ्टर दैट आप देख रहे होंगे ये वाला जगह कास्टिंग हो रहा है, इसके कास्टिंग के बाद इसी में कास्टिंग लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको कास्टिंग से पहले देख लेना है। और कुछ आगे इधर भी शटरिंग रेडी है हम लोग का, इसमें बीम और स्लैब कराड शुरू होगा, तो आपको ये भी देखना है कि जो वर्कर्स है उसको प्रॉपर चाल देते रहना, ये ना कि वो बैठे, ना तो क्या होता है एक बार घर जाने के बाद उन लोग को बुलाते बुलाते डिले होता है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट रहता है टाइमिंग, तो टाइमिंग को भी देखते हुए आपको सारा चीज़ मैनेज करना है, क्वालिटी क्वान्टिटी। तो ये है इधर एक हम लोग का G+14 विद दो बेसमेंट के साथ, तभी ये चल रहा है, दो तीन फ्लोर का कास्टिंग बाकी है, सब चीज़ देखना आपको। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और फ्रेशर इंजीनियर लोग खास करके सब्सक्राइब करें, कोई भी जॉब अपडेट है तो वो हम आप लोग को बता देंगे, तो और शेयर भी कर दे दोस्तों के साथ। थैंक यू।